नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी की कैबिनेट जो कि है 0667 मॉडल की। ये जो कैबिनेट है एक अच्छे एयर फ्लो के साथ एक बजट गेमिंग सीरीज में निकाली गई है, मींस कम दामों पे अच्छी क्वालिटी के लिए ऑफर किया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक 120mm का 33 LED का फैन भी इसके साथ है और साथ में इसमें एक 3.0 USB भी है। तो आज हम इस वीडियो में इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए जिससे कि आपसे कोई भी फीचर या कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले हम इसके फ्रंट पैनल की बात करते हैं। फ्रंट पैनल में आप देख सकते हैं नेक का काम किया गया है। फ्रंट पैनल में एयर के लिए बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है इस मॉडल के अंदर। पावर के लिए बटन टॉप में दिया गया है। ये इसमें एक डीवीडी रीडर के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया गया है और आपके USB इसके अंदर साइड में दिए गए हैं, 2.0 USB एंड रिस्टार्ट का बटन और ऑडियो जैक। 3.0 USB इसमें दूसरी साइड में दिया गया है। इसमें कार्ड रीडर के लिए स्लॉट दिया गया है लेकिन अंदर डिवाइस नहीं है तो इसलिए इसको हाइड किया गया है। इसके अंदर आपको एक 3.0 USB दो 2.0 USB यही मिलेंगे। हम इसके साइड पैनल की अगर बात करें तो साइड पैनल हाफ साइड पैनल इसमें दिया गया है, हाफ ग्लास साइड पैनल है। ग्लास नहीं होता है, एक्रेलिक सीट होती है, एक तरीके का प्लास्टिक ही होता है। तो प्लास्टिक का आपका पैनल साइड में हाफ विंडो दी गई है। और अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर कैबिनेट के अंदर हमें एक 33 LED का फैन दिया गया है 120mm का, वो हम जब फ्रंट पैनल खोलेंगे तो आपको दिखेगा। स्क्रू की बात करें तो स्क्रू की क्वालिटी बहुत ही अच्छी इस बार दी गई है, ब्लैक माउंटेड आपके स्क्रू दिए गए हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ब्लैक माउंटेड इसके अंदर स्क्रू दिए गए हैं। केबल की बात करें तो ये रिस्टार्ट पावर केबल 3.0 सारी चीज़ें, केबल की क्वालिटी भी बेहतरीन की गई है। हम बात करते हैं इसमें स्लॉट्स की, तो इसके अंदर आपके लिए एक SSD का स्लॉट यहाँ दिया गया है और इसी के अंदर यहाँ पे भी एक ये और SSD का आपका इधर भी एक आप SSD यहाँ लगा सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क बॉटम में और एक 3.5 इंच की यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि या तो आप यहाँ पे एक 3.5 इंच की लगा लीजिए या SSD लगा लीजिए, और उसके अलावा आप दो 3.5 की बॉटम में और एक SSD ऊपर लगा सकते हैं। बैक पैनल की अगर हम इसके बैक रियर पैनल की बात करें तो इसमें एक 180mm के फैन के लिए स्पेस दिया गया है, साथ में आपके 7 एक्सपेंसिव स्लॉट्स के लिए भी स्पेस दिया गया है। अंदर इनसाइड की बात करें तो अंदर मदरबोर्ड के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। हम इसका फ्रंट पैनल खोलते हैं। जी हमने इसका फ्रंट पैनल खोला, आप देख सकते हैं एक 33mm का 120mm का 33 LED का एक फैन इसके अंदर लगा हुआ है, प्री लोडेड है। अब इसमें ये आपका फ्रंट पैनल आप देख सकते हैं, एक अच्छा स्पेस इसके अंदर दिया गया है। एयर फ्लो के लिए इसमें आगे के लिए नेट का वर्क है तो एयर फ्लो की कोई भी इश्यू नहीं है इसमें। तो ये जो आपकी कैबिनेट थी इसकी अनबॉक्सिंग थी, के सारे अलग अलग मैंने फीचर्स कवर किए हैं। अगर आपको कोई फीचर या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।